नमस्कार मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे कि आईपीओ में एच एन आई कैटेगरी के थ्रू कैसे अप्लाई करें एक के बाद एक इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वो आईपीओ में अप्लाई तो करते हैं बट अक्सर उन्हें शेयर अलॉट नहीं होते लिस्टिंग एम्स तो जाते ही है साथ ही में फ्रस्ट्रेशन अलग होती है जो आईपीओ जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है उतने ही रिटेल इन्वेस्टर्स के चांसेस कम हो जाते हैं आईपीओ लॉट होने के ये सब मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल अभी रिसेंटली ट्वेंटी थर्ड जुलाई को एक लॉस मेकिंग थर्टीन ईयर्स ओल्ड प्राइवेट कंपनी लिस्ट हुई विद फिफ्टी लिस्टिंग गेन्स आपको पता ही होगा मैं किस कंपनी की बात कर रही हूं यू कॉट दैट राइट जोमैटो ऐसे ही कई सारी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं जिनके लिए काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस मॉडल एंड द ऑफ द आईपीओ मार्केट ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर्स आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करते हैं इसके मेनली थ्री रीजन है फर्स्ट इन्वेस्टर्स कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल या ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं सेकेंड इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म गेन से बेनिफिट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम सब फेमिलियर है इन्फोसिस की सक्सेस स्टोरी से जिसने 1993 में लिस्ट होने के बाद अपने इन्वेस्टर्स को 3000 थाउजेंड परसेंट रिटर्न जनरेट किए और थर्ड और आजकल का सबसे पॉपुलर रीजन लिस्टिंग गेन्स कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो सेकेंड फेब को इंडिगो पेंट्स में सेवेंटी लिस्टिंग गेन्स देखे गए नाइनटीन जुलाई को जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट में हंड्रेड लिस्टिंग गेन्स और उसी सेम डेट पर क्लीन साइंस में 95 परसेंट लिस्टिंग गेन्स देखे गए ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं इतने सारे आईपीओ में बंपर लिस्टिंग होना इज अ क्लियर साइन ऑफ इंडिया वेल इंडिया की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है जिसमें कई सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और इसीलिए शायद इतनी सारी कंपनीज आईपीओ लेकर आ रही हैं और लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपके पास आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। जनरली आईपीओ में आप चार तरीके से अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट इज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि आरआईआई कैटेगरी इस कैटेगरी में इन्वेस्टर्स आईपीओ में अप टू टू लैक्स की टोटल इन्वेस्टमेंट तक लॉट सप्लाई कर सकते हैं जनरली कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में थर्टी फाइव परसेंट कोटा रखती हैं कुछ में इससे कम भी होता है सेकेंड कैटेगरी है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एनआरआईज कंपनीज ट्रस्ट एक्सेट्रा आते हैं जो आईपीओ में रुपीज टू से ज्यादा बिट करते हैं कंपनीज आईपीओ में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए यूजुअली 15 परसेंट कोटा रखती हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजल यानी कि एच भी इसी कैटेगरी में आते हैं थर्ड कैटेगरी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स की यानी कि क्यू इस कैटेगरी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक म्यूचुअल फंड और आर्स शामिल हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं एज क्यू ये यूजली एक बड़ी क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं क्यू सेगमेंट की अपर लिमिट है 50 परसेंट फोर्थ कैटेगरी है एंकर इन्वेस्टर्स की ये भी एक तरह के क्यू होते हैं किसी भी आईपीओ में मिनिमम टेन करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है आईपीओ से एक दिन पहले ही सब्सक्राइब करते हैं और इन्हें एक फिक्स प्राइस मिलता है और क्यूआईबी के फिफ्टी परसेंट कोटा में से अपटू सिक्सटी परसेंट पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हो सकता है इन्वेस्टर्स आईपीओ में अप्लाई करते हैं शेयर पाने के लिए जिन्हें या तो वो लिस्टिंग गेन मिलने के बाद बेच देते हैं या फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जरूरी नहीं कि शेयर्स अलॉट हो रिटेल इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन में या तो आपकी बिड आपको मिल जाएगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी जितनी ज्यादा सब्सक्रिप्शन रेशियो उतने ज्यादा चांसेस उसके रिजेक्ट होने के लेट्स टेक एग्जाम्पल अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आईपीओ हंड्रेड टाइम सब्सक्राइब हुआ है

अगर कोई कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को कोई डिस्काउंट देती है तो वो डिस्काउंट एच के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एच ने किसी आईपीओ में अप्लाई कर दिया तो वो अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ नहीं कर सकते अंटिल द डे ऑफ अलॉटमेंट और आप बात करते हैं कि आप एच कैटेगरी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वेल अगर आपने पहले एज अ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपके लिए एच कैटेगरी में अप्लाई करना काफी आसान होगा सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन कीजिए उसके बाद आईपीओ सेक्शन में जाइए उसके बाद आईपीओ इश्यू सिलेक्ट कीजिए जिसके बाद आपको ऑनलाइन आईपीओ सिस्टम पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके बाद आईपीओ कंपनी सिलेक्ट कीजिए अब आपको इन्वेस्टर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी तो इन्वेस्टर स्टेटस में आई एनडी एच एन आई नेटवर्क पीपल सर्विसेज को सिलेक्ट कीजिए नेक्स्ट शेयर्स की क्वांटिटी फिल इन कीजिए बट डोंट फॉरगेट टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रुपीज टू लैख से ऊपर होना चाहिए एप्लीकेंट का नाम डेट ऑफ बर्थ फिल इन कीजिए इसके बाद आपको अपनी डिपॉजिटरी होगी सी डी एस एल डिपॉजिटरी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी इन करनी होगी हर इन्वेस्टर की एक होती है। ग्रो पर अपनी डीपीआई पता करने के लिए आपको ग्रो एप आप पर माई अकाउंट ऑप्शन में अकाउंट डिटेल सेक्शन पर जाना है वहां से आप अपनी डीपीआईडी कॉपी भी कर सकते हैं अपनी डिपॉजिटरी आई डी फिल इन करने के बाद एच एन आई इन्वेस्टर को अपना बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल इन करनी होंगी जिसमें वो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड फंड हैं वो ब्लॉक करवा सके उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करके वो आपसे पूछेंगे कि आप चेक कीजिए कि आपके अकाउंट में रिक्वायर्ड फंडस हैं कि नहीं आप वेरीफाई करके प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपके फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे Allotment process के खत्म होने के बाद आपको जितने shares allot हुए हैं हिसाब से आपके डिडक्ट हो जाएंगे और और बाकी की funds आपके unblock हो जाएंगे। अब आप रूट लेना चाहते हैं या फिर रूट, ये आपकी अपनी individual choice है। मैंने आपको इसके और बता दिए। तो आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें आने वाले दिनों में कई सारे आईपीओ आने वाले हैं जैसे कि पेटीएम नाइका एल आई सी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टड्स एक्सेसरीज बजाज एनर्जी आदित्य बिरला सनलाइफ एम सी गो फर्स्ट और पेनासेमेंट एक्साइटिंग राइट बट देन अगेन दिस इज योर हार्ड अर्न मनी सोच समझ कर पूरी ड्यू डेलिजेंस के साथ इन्वेस्ट कीजिए एंड एज ऑलवेज मैं आपको इन अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स देती रहूंगी सो डोंट नो गेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो ऑन दैट नोट हेज मी गुंजन साइनिंग ऑफ बाय टेक केयर कीप कम एंड इन्वेस्ट ऑन Investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares derivatives mutual fund and all other instruments traded on the stock exchanges